तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, हिंदी में बात करें तो समय और कार्य। समय और कार्य, ये वीडियो हमारी कौन सी होगी? तो ये वीडियो हमारी क्लास 3 होगी। और इस वीडियो में हम देखेंगे पुरुष और महिला पर आधारित प्रश्न, यानी पुरुष हो, महिला हो और बच्चे हो, उस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चंस में। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दो पुरुष या तीन महिला, क्या दोस्तों, दो पुरुष या तीन महिला किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला साथ मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे दो पुरुष, क्या दोस्तों, दो पुरुष उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 10 दिनों में। एवं तीन महिला उस काम को कितने दिनों में करती हैं? तो आप कहेंगे सर ये भी 10 दिनों में करती हैं। लेकिन हम आपसे पूछें कि एक पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, इसमें 10 में 2 से गुना कर देंगे, यानी 10 गुना के 20, यानी एक पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो आप कहेंगे सर 20 दिनों में। एक पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। और तीन महिला कितने दिनों में करेंगे? तीन महिला 10 दिनों में करती हैं, तो एक महिला कितने दिनों में करेगी? तो 10 तिहाई 30, ठीक है। ये आ गया हमारे एक महिला और एक पुरुष का, यानी जब एक महिला हो तो कितने दिनों में करेंगी? तो आप कहेंगे सर 30 दिनों में करेगी। और एक पुरुष हो तो कितने दिनों में करेगा? 20 दिन में करेगा। तो हमें पूछा क्या गया, एक पुरुष और एक महिला साथ मिल करके उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक पुरुष, क्या दोस्तों, एक पुरुष कितने समय में कर रहा है? 20 दिनों में। और एक महिला कितने दिनों में कर रही है? एक महिला कितने दिनों में कर रही है? तो आप कहेंगे सर 30 दिनों में कर रही है। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें वर्क कितना है, हमारा कार्य कितना है। तो हमने अपने पहले वाले जो वीडियो में कंसेप्ट पढ़ रखा है कि हमें वर्क निकालने के लिए क्या करते थे, तो आप कहेंगे सर ये दोनों का हम एलसीएम लेते थे, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब निकलेगा हमारा कार्य क्षमता कि एक पुरुष जो है एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है। तो 20 तिहाई 60, यानी एक पुरुष एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा? 3 यूनिट। और 30 दुना के 60, यानी एक महिला एक दिन में कितना यूनिट कार्य करती है? 2 यूनिट कार्य करती है। हमसे पूछा गया दोनों साथ मिलकर के कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो हम 3 और 2 क्या करेंगे, 3 और 2 जोड़ देंगे, यानी 3 2 3 और 2 5। यदि एक पुरुष और एक महिला आपस में मिल जाएं तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करती है? 5 यूनिट। हमें कितना यूनिट कार्य करना है दोस्तों, तो 60 यूनिट कार्य करना है। 60 यूनिट, ये क्या हो जाएगा, 60/5, यानी 12 5 60। कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो 12 दिनों में। यानी जब भी एक पुरुष और एक महिला मिल जाए तो हमारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आप कहेंगे भैया रे 12 दिनों में समाप्त होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपने यदि क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चनों में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल अपने दिमाग को फ्रेश करके समझे, ठीक है, और इधर उधर की बातें ना पढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला साथ मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगी? वही है, यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, 5 पुरुष जो कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में कर रहे हैं। और 4 महिला भी हैं, तो 4 महिला भी कितने दिनों में कर सकती हैं? तो ये भी कहेंगे भैया रे कि आप 6 दिनों में कर सकती हैं। यदि हम आपसे पूछें कि एक पुरुष इसे कितने दिनों में करेगा, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी 6 5 30, और इसको क्या करेंगे, 6 4 24। मतलब कहने का मतलब है एक पुरुष कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में कर सकता है, और एक महिला कितने दिनों में कर सकती है, 24 दिनों में कर सकती है। तो सिंपल हम लिख दे एक पुरुष इज इक्वल टू 30 एंड एक महिला इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24। अब हमको वर्क नहीं पता है, हम वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, 30 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो 30 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 120 हो जाएगा। जब एक पुरुष 30 यूनिट कार्य करता है, ठीक है, मतलब 30 दिनों में कार्य खत्म कर सकता है, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। अब एक महिला एक उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकती है, 24 दिनों में खत्म कर सकती है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहेंगे इसकी एफिशिएंसी 5 होगी। हमसे क्या पूछा गया है, साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 4 और 5 को जोड़ देंगे, 4 और 5 हो जाएगा 9। मतलब कि यदि एक पुरुष और एक महिला मिल जाए तो एक दिन में कितना कार्य खत्म होगा, तो 9 यूनिट खत्म होगा। हमें कितना यूनिट कार्य खत्म करना है, 120 यूनिट, यानी 120/9 हो जाएगा। और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 40/3 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो ये 33 39,
तेरह पूर्णांक एक बट्टा में थ्री दिन हो जाएगा हमारा आंसर, तेरह पूर्णांक एक बटा थ्री दिन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थ्री को बिल्कुल आसान लैंग्वेज हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है हमारा, एक पुरुष या दो महिला या तीन बच्चे किसी काम को 44 दिनों में कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक महिला एवं एक बच्चा मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। इसमें एक स्टेप ज्यादा है कि एक बच्चा भी है वो इस काम को मतलब 44 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम वैसे ही लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक पुरुष, एक पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 44 दिनों में। दो महिला कितने दिनों में कर रही है, दो महिला, तो आप कहेंगे सर महिला भी कर रही है 44 दिनों में। फिर आपसे पूछे तीन बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बच्चा भी है 44 दिनों में कर रहा है। ठीक है, एक पुरुष कितने दिनों में कर रहा है 44, जब दो महिला उस काम को 44 दिनों में कर सकती हैं, तो एक महिला कितने दिनों में करेंगी, यानी 2 × 44 ये क्या हो जाएगा 88। तीन बच्चा 44 दिन में कर सकते हैं, तो एक बच्चा कितने दिनों में करेगा 3 × 144 ये क्या हो जाएगा 132। अब हमें क्या पूछा गया कि एक बच्चा एक पुरुष इस काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे, या हम सिंपल लिख लेते हैं एक पुरुष इज इक्वल टू 44, एक महिला इज इक्वल टू 88 एंड एक बच्चा इज इक्वल टू 132। अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, फटाफट आप एलसीएम निकालें, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 264, कितना हो जाएगा 264। ठीक है, तो जब एक पुरुष इस काम को 44 दिनों में कर सकता है, तो उसकी का एफिशिएंसी कितनी है 6 हो जाएगी, एंड महिला की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, एंड बच्चा की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। दोस्तों आप एफिशिएंसी निकालना भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम 44 को जब 64 से डिवाइड करते हैं ना, तो हमारी एफिशिएंसी निकल जाएगी। जब 88 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी 3 आएगी, और जब 132 को हम 264 को हम 132 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी 2 आएगी। एफिशिएंसी हम ऐसा डिवाइड करके निकालते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया, तीनों साथ मिलकर के, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को जोड़ देंगे, यानी 6, 3, 9 और 2 11 हो जाएगा, यानी एक दिन में कितना यूनिट कार्य समाप्त कर रहे हैं, तो 11 यूनिट। हमें टोटली कितना यूनिट कार्य खत्म करना है, 264 बटा में 11। ठीक है, तो कितने दिन में खत्म होगा, तो ये हो जाएगा 24 दिन आंसर। कितना दिन दोस्तों, तो 24 दिन आंसर हो जाएगा हमारा। एक दिन में 11 यूनिट कार्य खत्म कर रहे हैं, तो 264 यूनिट कितने दिन में खत्म करेंगे, 264 बटा 11। अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, चार पुरुष या पांच महिला काम को छह दिनों में पूरा करे तो तीन पुरुष या दो महिला मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगे। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इसका कंसेप्ट अलग है। क्वेश्चन तो करेंगे बिल्कुल सेम, लेकिन जो लास्ट की कड़ी है उसकी थोड़ी कंसेप्ट अलग होगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले चार पुरुष इस काम को कितने दिनों में कर ले रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया अरे 6 दिनों में, एंड पांच महिला इस काम को कितने दिनों में कर पा रही हैं, तो आप कहेंगे 6 दिनों में। ठीक है, यदि आपसे हम बात करें कि एक पुरुष कितने दिनों में खत्म करेगा, तो 4 × 6 यानी 6 × 4 = 24 दिन। ठीक है, और एक महिला कितने दिनों में करेगी, तो 6 × 5 = 30 दिन। यहां हम सिंपल लिख देंगे एक पुरुष एंड नीचे क्या लिख देंगे, एक महिला, पुरुष इज इक्वल टू 24 एंड महिला इज इक्वल टू 30। अब क्या लेंगे, हम लेंगे वर्क निकालेंगे का हमारा कार्य कितना है, तो कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 24 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 120। अब निकलेगा हमारा एफिशिएंसी, 24 को 120 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और 30 को 120 में ये जाएगा 4 बार में। दोस्तों ये था हमारे एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी, लेकिन हमसे पूछा गया क्या गया है, तीन पुरुष एंड दो महिला, यानी तीन पुरुष और दो महिला साथ मिले तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें घबराना नहीं है, इसमें जो पुरुष है तो हमारे पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 5 है, जब पुरुष की एफिशिएंसी 5 आ चुकी है और हमें कितने पुरुष निकालने हैं, 3 पुरुष और देने हैं, तो 5 × 3 ये एक स्टेप बढ़ेगा यहाँ पर। अब इसमें एक महिला की एफिशिएंसी 4 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितने महिला ऐड करने हैं, 2 महिला, तो 4 × 2 कर देंगे। अब इसको गुणा कर देंगे, 5 × 3 = 15 और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 23 हो जाएगा। ठीक है,
अब यदि तीन पुरुष और दो महिला मिल जाए तो एक दिन में कितने यूनिट कार्य खत्म होगा? 30 यूनिट। लेकिन हमें टोटल कितना बार कार्य करना है? तो आप कहेंगे सर 120 यूनिट कार्य करना है, यानी 120 बट्टा में ये हो जाएगा हमारे पास 23। जब 120 को 23 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 पूर्णांक 5 बट्टा में 23 दिन, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों ये था क्वेश्चंस करने का हमारा तरीका। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। साथ ही अपने वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।